जुनैद और नासिर हत्याकांड में 9 दिन बीत जाने के बाद भी केवल एक आरोपी रिंकू सैनी की ही गिरफ्तारी हो पाई है। हालांकि भरतपुर पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों में दबिश दे रही है, मगर अब उधर मेवातियों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। बीते दिन नूह के फिरोजपुर झिरका में मेवाती युवाओं ने इस केस से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए मेवाती युवाओं ने मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मिलीभगत का आरोप भी लगाया। लगभग एक घंटे तक ये मेवाती युवा सड़कों पर डटे रहे, जिसके बाद नू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करवाया। आगे आप खुद सुनिए कि मेवाती युवाओं ने इस प्रदर्शन के दौरान क्या कहा। जो पुलिस था उसने मांगे थे, उसने नासिर और जुनैद के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए, सलाखों के पीछे डालने के लिए 3 दिन मांगे थे। 16 तारीख को उनका मर्डर हुआ था, लेकिन आज कितने तारीख हो गया है? लेकिन आज 24 तारीख हो गया है, पूरे 8 दिन हो गए उसको, पूरे 8-9 दिन हो गए उसको, लेकिन अभी तक जो है मोनू गिरफ्तार, मोनू गैंगस्टर का ओनली एक आदमी गैंग जो गिरफ्तार हुआ है, जिस रवि सेना उसका गिरफ्तार हुआ है, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जो पुलिस है, प्रशासन है, कुछ नहीं कर रही है। पूरी हरियाणा की पुलिस है, लेकिन मोनू गैंग गवर्नमेंट है, जो पूरा गवर्नमेंट है हरियाणा का, पूरा मोनू के साथ मिला हुआ है। जो मोनू है वह क्या कर रहा है, अपना पूरा अपना फोटो दिखा रहा है मेवातों के लोगों को कि अमित शाह के साथ उसके फोटो खींचे, आईजी के साथ उसके फोटो खींचे हुए हैं। क्या मेवातियों को डराना चाहता है? ये हमारे इस नेता ने, लीडर ने, मामन खान ने भी ये बात विधानसभा के अंदर रखी थी कि ये क्या हमको डराना चाहता है, डराना चाहता है। मेवातवासी जो भरत का बच्चा है, शेर का बच्चा है, इस्लाम में जिसने जन्म लिया है, कोई किसी से नहीं डरता है, कोई भी किसी से नहीं डरेगा। और जो जुनैद और नासिर के लिए लड़ना चाहता है, मेरा कहने का मतलब यह है, हमारा जो मेन कारण है, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए भीड़ इकट्ठे, एक बार जोर से बोलो, नारायण तकबीर, जो नासिर और जुनैद के लिए इकट्ठे हुए, उनको जब तक यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, यह बिल्कुल लगेगा ऐसा ही जारी रहेगा, पूरा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इस देश मोनू को जब तक गैंग, जब तक उसको फांसी नहीं हो जाएगी, सलाखों के पीछे उसको नहीं डाल दिया जाएगा, जब तक तो उसको पूरी फांसी नहीं हो जाएगी, जब तक हम यहाँ से अपना झरना पूरी धरना पूरी धैर्य से जारी रखेगा। और जो 27 तारीख को अब तक 2 दिन का डीएसपी ने उसका पूरा टाइम मांगे, 2 दिन का। क्या लगता है मुस्लिम और दलितों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? जो मुस्लिम को इसलिए टारगेट बनाया जाता है क्योंकि मुस्लिम से यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू आदि के जो लोग हैं, वो चिढ़ना है, चिढ़ते हैं उनसे, गौ माता के ऊपर उनसे हत्या करता है। आज जैसे हमारे नासिर और जुनैद भाई को मारा है, कल को हमको भी मारेंगे, आप लोगों को भी मारेंगे, ऐसे ही ये मारते रहेंगे। अगर आज हमने अपनी ये लड़ाई नहीं लड़ी तो अगर आज हमने आज ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ी तो हम ऐसे ही मरते रहेंगे, करते ही रहेंगे, और ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी।